वेलकम बैक टू माय चैनल डायना द बीस्ट। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के पास। फिलहाल मैं जा रहा था डायना की सर्विस करने दिल्ली। आप लोगों को आज बहुत सारी बाइक देखने के लिए मिलने वाली है व्लॉग में। हालांकि मैं ऋषिकेश से आया हूँ 3-4 दिन बाद, और पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने बिल्कुल प्यार नहीं दिया क्योंकि वो कुछ था ही नहीं प्यार देने लायक। था नहीं, मैं खुद इसमें एग्री कर रहा हूँ, कोई नहीं, लेकिन यार दे दिया करो, कभी कभार सिचुएशन पड़ जाती है ऐसी। अच्छा, मेरे पापा को चाहिए एक बिल्कुल हल्की बाइक, हार्ले, मतलब स्कूटी पापा पे चलती नहीं है, हार्ले पापा चलाते नहीं है, कहते हैं मेरे को डर लगता है उस बाइक पे। तो स्कूटी उनको चाहिए एक स्प्लेंडर टाइप बाइक, तो कोई मतलब अब टीवीएस की कोई नई बाइक आई है जो बिल्कुल हल्की है, पापा की मतलब 60 साल की एज है। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई छोटी सी बाइक चाहिए, तो वो देखने चले गए शोरूम। तो पापा कह रहे हैं मुझे एक बाइक पसंद आ रही है, तो टीवीएस का शोरूम आ जा और बाइक को देख ले। तो अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं भाई कौन सी बाइक उन्हें पसंद आई है, फिर वहाँ से अपना फ्यूलिंग करा के सीधा अपना चलेंगे दिल्ली नारायणा डायना की सर्विस कराने, जहाँ पे और भी सुपर बाइक है। क्रूजर प्लैनेट पे मैं सर्विस कराने वाला हूँ गाइस, जहाँ से मैंने और मतलब जहाँ से डायना मैंने परचेज की थी। जेएस पाजी है, जेएस फिल्म आप लोग जानते होंगे जो मोटर व्लॉग देखते हैं, उन्होंने भी वहाँ से एक बाइक परचेज करी है 3 दिन पहले, डुकाटी। तो अभी चलते हैं पहले पापा के पास उस शोरूम में, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे अपना क्रूजर प्लैनेट। ठीक है, इसमें दो इसके शीशे क्रोम के हैं, इसके वैसे हैं। आपने चला के देख ली, चला के देख ली कैसे चल रही है? सब चीज़ एक है, बस वैसे फर्क है। नहीं, फिर भी एक बार चला के देख लो उसमें, उसमें क्या फर्क है स्प्लेंडर में उसमें? नहीं, स्प्लेंडर देख रखी है मैंने, इसमें अक्सर सुपीरियर है। लेकिन ये कलर थोड़ा अलग सा लग रहा है, अजीब सा। स्कूटी में इसमें ब्लैक और कलर ना, कोई ब्लैक हो या कोई और हो वो भी ठीक लग रहा है वैसे तो। हाँ ठीक लग रहा है वो भी। हाँ क्या ये तो बाहर से लग जाएंगे, बाहर से लग जाए तो नहीं, उसका वैसा कवर है। और उसमें डिस्क है, फिर डिस्क वाली लो ना, फिर डिस्क वाली लो। हाँ ठीक लग रहा है, सही है। वो तो बाहर लग जाए टैंक पैड ऐसा कुछ ना। अरे सब लग जाए करोल बाग जो आपको चाहिए। हाँ दिखाना। हाँ समझ गए, चमड़े से कोएगा। हाँ लग खूब सब लग जाए, सही लग रहा है वो कलर भी। कौन सा कलर? ये थोड़ा लड़कियों जैसा लग रहा है, बेकार सा है, लड़कियों वाला वो दे रहा है थोड़ा सा आराम से। वो है वो बिना ना, ना वही वाला ठीक लग रहा है मुझे। बाकी इसमें यही कलर आते हैं, ये ब्लू और ये पर्पल सा। ये मिल जाएगा ड्रम में आपका, इसमें डिस्क नहीं मिलेगी, ड्रम ब्रेक में मिलेगा। ब्लैक आता है इसमें? नहीं डिस्क तो लो। हाँ हल्की बाइक की डिस्क तो लो उसमें, देख लो आपको कौन सा सही लग रहा है। इसमें और कलर देख लो कोई। यहाँ आज नहीं होगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा, 4 दिन बाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक ब्लैक कलर नहीं है इसमें? ड्यूल टोन ले लेंगे। नहीं ये देख लो फिर, इसमें आता है ब्लैक, वैसे ब्लैक अभी है, अभी आपको ये मिलेगा इसमें पर्पल। मैं कितने दिन में आ जाएगा, कुछ कुछ तो होगा। इसी मॉडल में या ड्यूल टोन में? इसी में। क्या हुआ डिस्क में? ब्लैक कलर, ब्लैक या कोई हो इससे एक ही कलर है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल है कलर तो आप दिखा दो, चार्ट हो कोई कैटलॉग हो उसमें पसंद हो जाए। इसमें फिर ये आता है पर्पल और ब्लैक, या फिर डुअल टोन में आ गया कलर। ब्लैक में आपको डुअल टोन में तो मैं देख के आता हूँ, तो देख लो ये देख लो। ये उसमें डिस्प्ले है ना। कलर बढ़िया लग रहा है वैसे भी, ना ना सही लग रहा है, रेड और ब्लैक बढ़िया लग रहा है।
वो थोड़ा लड़कियों वाला लग रहा है, बाकी देखो जो मर्जी हो ले लो। फोटो भेज दी, यही है हाँ, यही कलर है, ड्रम में है ये। यही है, ये ड्रम में है, ये सिंगल कलर है। हाँ ये वाला वही है जो वहाँ खड़ा है। हाँ ये वो कलर है। हाँ डबल तो ये है, मैं इन सब में जो बढ़िया लग रहा है देखने फिर। हाँ इसमें डिस्क ले लो। हाँ ये ठीक लग रहा है, भैया ये अड़ेगा ना चलते हुए। कौन सा कलर चाहिए आपको? कलर ही दो बता रहे थे, ये ब्लू और ब्लैक। तो यही सही है, रेड वाला यही वाला ना भी पता करवा ले। डिस्प्ले कर दियो, रेड ही ब्लू वाला है कलर। डिस्प्ले वाला आपको कलर बताना है। 88,600 कुछ का है, 125 कम से कम क्या हो जाए। और ये है पे आप 88,000 दे दीजिए। क्या दोगे इसके साथ? इसके साथ में जो है सब लगा हुआ है, वही जैसे वो गाड़ी रेडी खड़ी है ना वैसी है। देखने कलर सही है, ठीक है। ये क्या है? ये तो सामान टांगने के लिए खुल भी जाएगा। खोलना है तो खोलना रख कर खुल भी जाएगा। ये बैठने के लिए कोई बैठ जाए तो पकड़ कर बैठे तो कंधे पर खोल ही लियो, उसमें कहां सामान टांगोगे। हो जाओ तो मुझे बुरा भी ना लग रहा कोई ऐसी बहुत ना। ठीक है, हटाना तो पेज खुल पे अलग। ठीक है, इंजन तो सेम होगा ना? इंजन सेम है, खाम ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी वाली चला लो थोड़े दिन। अरे गाड़ी जहाँ वो करवाते हैं तक बैठा ही नहीं, तो चलाने की बात कर रहा है। दबा और दे दूँगी ज़्यादा तो निकल जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया था। कोई ना, ऐसे पेट्रोल भरवा के सीधा जाऊँगा, पेट्रोल भरवा लूँगा ऐसे, फिर सीधा जा रहा हूँ। पेट्रोल कहाँ से किधर जाऊँ? इससे भरवा लूँगा मैं तो, एलिवेटेड से जाऊँगा। एलिवेटेड से अभी देखिए आ रहा है। उससे कह दूँ अगर देख लिया सही चल रही है वो, तो खड़ी होगी इन पे टेस्ट ड्राइव एक बार देख लियो क्योंकि फिर ठीक है। डायना टेंशन ग्रैब कर रही है दोस्तों, फ्यूलिंग करा ली है। और पापा के लिए जो कलर पसंद करा है मैंने भाई, वो डबल टोन कर लिया। उसमें डिस्क नहीं था लेकिन एक हाथ या डबल टोन में डिस्क, वो थोड़े दिन में आ जाएगी। 70-80,000 रुपये की बता रहे हैं भाई, के बहुत महंगी हो गई यार। वैसे हल्की सी लग रही थी उनको, वैसे मतलब कहीं बाहर नहीं जाना होता बाइक से, गाड़ी लेके जाते हैं। लेकिन जैसे हल्का सा लोकल में चलाना है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ उस साइड चलाना है, तो वहाँ पर उनसे हार्ले नहीं चलती। तो उन्होंने अपने लिए ले ली एक छोटी सी बाइक जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, ठीक भी लग रही थी मेरे को। वैसे मेरे को इन बाइक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, TVS स्प्लेंडर इन सब का, क्योंकि मैंने बहुत कम चलाई नहीं है मैंने वो सब बाइक ना, स्कूटी चलाई है मैंने। तो स्कूटी जो थी मेरी वो पापा पे चलती नहीं थी, कह रहे हैं इसमें रेस सीधे नहीं होती है, क्लच वाली बाइक चाहिए हमें कोई सिंपल सी। तो उनको मिल गई एक सिंपल सी क्लच वाली बाइक। फक, तो अभी हम चल रहे हैं क्रूज़र प्लैनेट नारायणा डेली यहाँ से, और वहीं जाके आपको व्लॉग दिखाता हूँ क्योंकि मेरे को बनाना है। यहाँ पे जोनू भैया फैट बॉय वाले भैया का ये फार्म हाउस है जो उसने मेरे साथ गए थे। तो अभी जल्दी से चलते हैं क्रूज़र प्लैनेट, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है, मेरे को बैटरी बचानी है और बहुत सारी सुपर बाइक है, और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है मेरे को दूसरा अच्छा सा, मतलब वहाँ पे ना आज रोड नहीं दिखाएंगे, आज बाइक्स दिखाएंगे। तो चलो भाई क्रूज़र प्लैनेट मैं 1 घंटा राइड मारता हूँ, तुम लोग इन्जॉय करो। स्टेशन लगा लिया, एलिवेटेड पार करके मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा था, तो स्टैंड मेरे बैग में पड़ा हुआ था, मैंने वापस से लगा लिया। तो अभी मेरे को ये दिखा रहा है 14 मिनट है, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे 44 मुझे लगा क्या यही है क्या, तो 44 मिनट्स दिखा रहा है यार, थोड़ा लेट हो गया हूँ। टाइम अभी हो रहा है मैं सेट 1:50 मतलब 2 बजने वाले यार, 14 मिनट दिखा रहा है, थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन कोई नहीं, चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेविगेशन लगाना मतलब मौत है, एक कट गलत ले लो इतना। मैं पता है अभी 5 मिनट बाद आया हूँ, मैं कट जो है गलत मुड़ गया था, मेरा रास्ता 35 से 42 को हो गया, दोबारा मैं वापस आया हूँ यू टर्न लेके, अब 33 को हो गया फाइनली, आधा घंटा है मतलब अभी। लेकिन फिर भी बहुत लेट हो गया मामला ना यार।
पता नहीं कौन कौन सी जगह से लेके जा रहा है मेरे को नेविगेशन। चलो देख। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्रूजर प्लैनेट, यहां से दिखा रहा है एक मिनट मतलब मेरे सामने ही है, लेकिन ये ऑटो वाला मेरे को जाने नहीं दे रहा यार। यहाँ ले लो भाई, इंस्टाग्राम पे पेज वेज सब है, फॉलो कर लेना अगर कोई बाइक चाहिए, क्योंकि मैंने डायना यहीं से ली थी। अभी जी एस पाजी भी लेके गए हैं कल परसों। चलो एक बार मिलते हैं, उसके बाद व्लॉग व्लॉग बनाएंगे। ये लो भाई बहुत सारी बाइक सर्विस, और भाई यहाँ देखो कितनी सारी 48 खड़ी है, पहले 48 मिली नहीं थी, अब देखो। और भैया कह रहे हैं तुम ये वाली बाइक छोड़ के ये वाली डुकाटी ले लो, ये मेरे काम आ जाएगी अगर जैसे मैं मोटर ब्लॉक करता हूँ। लेकिन यार अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसे ग्रो करूँ उसके बाद वो लूँ। मतलब यही मैंने डुकाटी सेम प्राइस की है, मैं दिखा देता हूँ भाई तुम लोगों को क्लोज रखो सी गाइस। लेकिन ये लग बहुत सेक्सी है, पैनिकल 959 ये दोनों, ये भी डेली नंबर है। और यहाँ पे एक ZX10R खड़ी है, ये देखो ये 2015 का मॉडल है। और भाई ये देखो ये ऑटोमेटिक होंडा की खड़ी है, बहुत छोटी बाइक है, कैमरे में छोटी लग रही होगी। और एक वहाँ पे आयरन खड़ी है, उसका टैंक पर देखो कितना कूल है। बाकी 48 48 48 और एक और नहीं नहीं एक दो तीन 48 चौथी मेरी है। ब्लैक हॉर्स खड़ी है एक वहाँ पे, जो पंकज भाई यहाँ पे थे हमारे, ठीक है। हार लगी तो इतनी सारी बाइक खड़ी है ना भाई यहाँ पे। और इस बाइक को लेने के लिए कह रहे हैं मेरे को, एक दिल्ली नंबर है और एक काफ़ी अच्छी बाइक है। मैं इसमें बैठ के भी देखा था, कम्फर्टेबल भी है काफ़ी, उसका टायर भी देखो कितना मोटा है, लेकिन काफ़ी अच्छी बाइक है दोनों। भैया कह रहे हैं अगर तुम्हें मोटर व्लॉग करना है ना तो तुम्हें यही लेनी पड़ेगी, मतलब इससे स्टार्ट करोगे, क्योंकि भाई तुम जानते हो डुकाटी है, तो दुनिया देखते हो उसका। तो अब देखते हैं भाई, अगर तुम लोग प्यार दोगे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी बढ़ा दो, उसके बाद जब व्लॉग आएंगे फिर इससे आएंगे। ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, दिल आ गया इस पर, ये देखो आराम से फिर तुम्हें कुछ इस तरह से लुक दिखेगी बाहर की, मतलब जब मोटर व्लॉग करो ना उसके भी डायना की टंकी दिखती है, फिर ये दिखेगी ऐसी। जल्दी से जितना जल्दी सकता है जल्दी सब्सक्राइब करो, काम करो। अगर हर बाइक की डिटेल वीडियो चाहिए ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं सब की विद प्राइस, क्योंकि सारी प्री ओन बाइक्स यहाँ पे रखी हुई है सबकी, मतलब कितने प्राइस है। जैसे ये 9.5 लाख रुपए की बाइक है इस टाइम, 9.5 लाख इसकी आस्किंग है, और 2016 का मॉडल है, सेकंड ओनर है, लेकिन बाइक देख लो भाई बिल्कुल जेन्युइन है। तो अगर जितनी भी यहाँ पे बाइक है ये देखो कितनी सारी है, तो अगर इनकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल इस लोग को यहीं एंड करते हैं, मैं सर्विस वगैरह करा लेता हूँ, और अगर चाहिए तो मैं कल दोबारा आ जाऊँगा डिटेल वीडियो बना लेना, मेट्रो से कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना जरूर, लेकिन प्यार दोगे तो ही बनाऊँगा। गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।